C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। हर साल हम अम्मा अब्बा से इजाजत लेते थे, इस साल हम दिवाली मनाने के लिए अपने शौहर से इजाजत लेंगे। तो कबीर साहब, क्या हम रीमा के घर जाकर दिवाली मना सकते हैं? तुम रीमा की वजह से हमारा रिश्ता, हमारी मोहब्बत दांव पर क्यों लगा रहे हो? तुम्हें अपने आगे ना अपनी बीवी की खुशी दिखाई देती है और ना ही आंसू। जो सही है वो हम करते हैं। ठीक है, हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे। बड़ी दिवाली का फंक्शन हम कबीर के साथ जरूर मनाएंगे, देखना कबीर हमारे साथ आएगा। और ये हम नहीं, हमारी मोहब्बत का यकीन कह रहा है। अगर तुम पूरे के पूरे हमारे होते तो हमारी बहन से बढ़कर दोस्त रीमा का दिल नहीं तोड़ते। लेकिन रीमा के घर दिवाली पर जाकर हमें खुश कर सकते हो और पूरे के पूरे हमारे हो सकते हैं। वो जो आपका मदरसे के बच्चों की जजीद मॉडर्न तालीम का प्रोजेक्ट था, उसे ऑल ओवर इंडिया बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, फुल फाइनेंस्ड करने का फैसला लिया है। उसी सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपको अपने प्रोजेक्ट को पेश करना होगा। रुखसार, अपने पुराने दिनों की बातें भूल गई, अब जो इनके सामने हो रहा है बस उन्हें वही याद है। रुखसार कैसी है? नेशनल शरिया बोर्ड की तरफ से 1 करोड़ रुपए का चेक आपको देने की मंजूरी दी। चेक 1 करोड़ का नहीं, 1.5 करोड़ का है। बाकी के 50 लाख जरा बीबी आपके प्रोजेक्ट के लिए अदा किए। हमारी हमेशा से ख्वाहिश थी हमारे मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए कुछ कर सके। नेशनल शरिया बोर्ड ने जो जिम्मेदारी तुम्हें दी है ना, वो छोड़ दो। हम किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहते कि तुम उन लड़कियों की जिम्मेदारी लो। ज़ारा, तुम लड़कियों का स्कूल नहीं चलाओगी। अभी क्या तुम्हें नहीं लगता है कि लड़कियों को भी हुनर सिखाया जाए ताकि वो अपने बुरे वक्त के लिए तैयार रहें? इसमें क्या गलत है कभी? अब ज़ारा, या तो ये प्रोजेक्ट तुम्हारे करीब होगा या हम आराम से फैसला कर लेना। इसी बहाने हमें भी पता लग जाएगा कि हमारे कही बात तुम्हारे दिल में कितने मायने रखती है। रुखसार घर में नहीं है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। एक शौहर होने के नाते हम तुमसे दरखास्त कर रहे हैं सब कुछ छोड़ दो ना। हम तुम्हारे पुराने वाले घर से बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ भी रुखसार का कुछ पता नहीं। मम्मी, हमने अपने दोस्तों के साथ यहाँ के सारे हॉस्पिटल्स में चेक कर लिया, अब कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। ज़ारा, तुम्हारे प्रोजेक्ट करने की जिद हमारे रिश्ते के बीच मत आने दो। अब कबीर और हम एक दूसरे के पूरे के पूरे हो गए। बस जल्द से जल्द रुखसार को हमारी जिंदगी से दूर कर दे। अब हमें यकीन हो रहा है, जब कबीर घर वापस आएगा ना तो उसे देखकर हमारी बहन रुखसार ठीक हो जाएगी। रात को कहाँ जा रहे हैं? हम अपनी बहन के साथ इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। है कोई जो हमारी बहन रुखसार की डूबती हुई नैया को पार लगाएगा? भाभी, हम लेंगे रुखसार की जिम्मेदारी। हमें अपने ख्वाब में अपने साथ किसको जोड़ना है ना, हमें अच्छे से मालूम है। गड़बड़ है। क्या गड़बड़? इसको ना इस तरफ होना चाहिए था, यानी कि तुम्हारे लेफ्ट में। हमें तुम्हारे लेफ्ट साइड बैठना है।
आज तुम हमें ये लेफ्ट का मसला बताओगी। हमने हमेशा गौर किया कि जब तुम बेड पे भी लेटती हो लेफ्ट साइड, गाड़ी में लेफ्ट साइड, रेस्टोरेंट लेफ्ट साइड, अब ऑफिस में भी तुम कह रही हो कि हमें लेफ्ट साइड पे बैठना है, क्यों? हम बताते हैं। देखो दो बातें, पहली बात तो ये कि दिल लेफ्ट में होता है तो हम तुम्हारे दिल के करीब रहे इसलिए, और दूसरी बात ये कि हम कहीं भी बैठे हमें देखना तो तुम्हें ही है। हमें बाकियों का नहीं पता कबीर, लेकिन हमारे लिए ना ऐसे लेफ्ट से राइट में गर्दन घुमाना आसान होता है, और हमारी गर्दन मानने तो वाली नहीं है, दिन में 100 बार ऐसे मुड़ मुड़ के तुम्हें देखेगी, तो गर्दन को आराम देने के लिए, उसको ज्यादा तकलीफ ना हो, हम मजबूर हैं कि हम तुम्हारे लेफ्ट साइड बैठे। वाह मोहब्बत वाह। तुमने अपना नाम क्या बताया था? अमान। अमान 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 अमान। और हमारा नाम क्या है? रुखसार खाला। खाला? ये खाला क्या होता है? खाला खाला खाला। भाभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो दोनों के बीच दोस्ती हो गई। भाभी एक बार रुखसार से बात कराइए। देखो कौन तुमसे बात करना चाहता है। देखो हेलो रुखसार। हेलो अमान। हाय दोस्त। वेरी गुड, शेयरिंग इज केयरिंग। मतलब ये कि तुमने जो किया ना इसका इनाम मिलेगा, तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी और अमान को भी एक चॉकलेट। तुम कब आओगी? हम शाम तक आ जाएंगे। तो ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे दोस्त। बिल्कुल। नो, मैं भी बात करती हूं। अमान, 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 हमें बात करनी है, पहले तुम बात में बात कर लेना। करने दो, करने दो। अमान हमने नहीं तोड़ा अम्मी, सॉरी खाला। वो टूट गया, अब हम अपने दोस्त से कैसे बात करेंगे? कबीर, कबीर है हमारा हस्बैंड। कबीर तुम्हारा हस्बैंड कैसे हुआ? कबीर जारा का हस्बैंड। जारा हमारी दोस्त, और दोस्त का हस्बैंड हमारा हस्बैंड, तो वो ना हमारे हस्बैंड कबीर। अगर मेरे प्लान की वजह से आप किसी प्रॉब्लम में आ गए तो? कुछ नहीं होगा मुझे प्रीता जी, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, और मैं इतना जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ आप हैं। प्रीता जी तुम मुझे फेक डैड बुलाती हो, सही बोलती हो तुम मुझे। तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यार जिस किसी ने भी तुम्हारी हालत की है ना उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई ने अगर वहाँ बैठे बैठे कंक्लूजन निकाल लिया कि वो कियारा सिर्फ प्रज्ञा की नहीं भाई की भी बेटी है तो लिया। मलार साहब ने सबके लिए मिठाई भेजी है, कह रहे थे कि कल उनकी शादी है। तो लड़की कौन है कल्याणी? किससे शादी कर रहा है मलार? मलार जी शादी कर रहा है? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें ये शादी रोकनी होगी। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से तुम्हें रोकना होगा। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि माई को उम्र कैद हो, लेकिन अगर तुम शादी के लिए तैयार हो तो मैं माई की रिहाई करवा दूंगा। मैं हमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में महासप्ताह के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए कि एक तरफ पर्व ने किया सिद्धि पर जानलेवा हमला तो दूसरी तरफ दत्ता ने बांधा अक्षत को पटाखों के बीच। अब क्या करेगी गुड्डन और क्या वो बचा पाएगी अक्षत और सिद्धि की जान? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। I love अस्मिता जी। किस्मत फिर ले आई शांतनु और पुचकी के रिश्ते में एक नई दस्तक। क्या होगा इनके आने वाले कल का अगला कदम?
मौत के मुंह से वापस आकर फिर एक बार साहिल ने भर दी है अपनी और वेदिका की प्रेम कहानी में एक नई जान। पर दुनिया की नजर में साहिल का ये पुनर्जन्म क्यों चौंका देगा सभी को? यह है कोई राज जिससे है बेखबर अग्रवाल परिवार और खुद वेदिका भी। जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में।